जिला गोपालगंज जिला मेरे साथ है, सबको जनता मेरा साथ दिया है, मेरा परिवार साथ। विकास नहीं हुआ है उसको हमको पूरा करना है। पिछले पांचवी बार भी मेरे परिवार पर उन्होंने भरोसा जताया, इसके लिए मैं साधुवाद हूँ, धन्यवाद करता हूँ सभी का, सभी को मैं नमन करता हूँ। देखिए गोपालगंज में कल उपचुनाव में जो परिणाम आया जिसमें बीजेपी से कुसुम देवी वहां पे जीती हुई है, जो पूर्व मंत्री सुभाष सिंह की पत्नी है, और उन्होंने कल वहां पे जीत हासिल की है। हालांकि ये जीत 16 से वोटों से अंतर का है, आरजेडी भी वहां पे लड़ाई में रही थी। उसके बाद जब कुसुम देवी अपना सर्टिफिकेट लेने पहुंची हुई, साथ ही साथ जब कुसुम देवी के बेटे से बातचीत की गई, कुसुम देवी से बातचीत किया गया कि अब बिहार में आपकी, गोपालगंज में आपकी सरकार बन गई है, तो गोपालगंज में अब किस तरीके से विकास कार्य वो करेंगी, तो सुनिए कुसुम देवी को गोपालगंज की जनता से क्या कुछ कहते नजर आ रही हैं। जीत पूरे गोपालगंज जनता की जीत हुई है और मैं हृदय से सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। पिछले 4 बार से जिस तरह से रिकॉर्ड मतों से पिताजी को उन्होंने विजयी बनाया, पिछले 5वीं बार भी मेरे परिवार पर उन्होंने भरोसा जताया, इसके लिए मैं साधुवाद हूँ, धन्यवाद करता हूँ सभी का, सभी को मैं नमन करता हूँ। पूरा गोपालगंज जिला मेरे साथ है, सबको जनता मेरा साथ दिया है, मेरा परिवार साथ दिए है, सबको जीत ही मेरा जीत है। विकास नहीं हुआ है उसको हमको पूरा करना है। गोपालगंज की जनता का आशीर्वाद मिला है, सबका आशीर्वाद मिला है। आप गोपालगंज की जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं? गोपालगंज जनता के यही धन्यवाद दूंगी कि उन्हीं का जीत मेरा जीत है। और आगे आपकी जीत हुई है, विकास के लिए क्या विकास के बाकी है उसको पूरा करेंगे। तो आपने कुसुम देवी को सुना, उन्होंने कहा कि गोपालगंज में कुछ भी अगर कमी है तो अब जल्द से पूरा किया जाएगा। गोपालगंज में अब विकास का काम जो है बहुत तेज गति से होगा, क्योंकि अब हमारी सरकार यानी कि कुसुम देवी की सरकार वहाँ पे आ चुकी है और गोपालगंज की जनता को अब निराश नहीं होना पड़ेगा, जल्द ही गोपालगंज में विकास का कार्य जो है वो होगा। तो आपने कुसुम देवी को सुना, फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए द बिहार टॉप, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।